अच्छा सर, वंस आपने इंगेजमेंट लेटर एग्री कर लिया, सही जी, आपने स्कोप बता दिया, उसको पर्पस आपको समझ आ गया, आपने वो डॉक्यूमेंट कर दिया, आपने मैनेजमेंट की जिम्मेदारियाँ बता दी, आपने डिफरेंस समझ लिया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड दिस ISR, यानी कंपाइलेशन इंगेजमेंट होती क्या है, ये समझने के बाद, एग्रीमेंट को करने के बाद, अब आप फाइनली इस इंगेजमेंट को परफॉर्म करेंगे। अब आप याद करें, ऑडिट के अंदर आप ऑडिट शुरू करने से पहले रिस्क असेसमेंट करते हैं, सही है। आप बोलते हैं ना कि आप आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। तो मैं इदारे को समझता था पहले कि भाई अगर अगर जो इदारा है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एक्सचेंज रेट की जो अकाउंटिंग है उसका रिस्क है, कि देयर माइट बी अ रिस्क कि हमने जो इन्वेंट्री है उसकी वैल्यूएशन गलत की हो ड्यू टू इनकरेक्ट यूज़ ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी एक रिस्क वहाँ से पोजेस होता है ना। तो वो रिस्क कैसे पता लगा था, जब मैंने इस इदारे को समझा था, फिर मैंने कहा था कि एक इदारा जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसे खर्च करता है, तो हमारा रिस्क वो होता है कि भाई रिसर्च गलती से कैपिटलाइज तो नहीं हो गई थी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एंटिटी अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पर रखती है, तो फिर इन प्रॉपर फेयर वैल्यू यूज़ का मेरे को खदशा होता है कि भाई कोई फेयर वैल्यू जो है वो शेयर्स की वो गलत तो नहीं पिक की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइड से, तो उससे ओवर और अंडर वैल्यूएशन का मसला हो सकता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, और फिर हम ये देखते हैं कि भाई इदारे को समझते हैं और उसके कंटिन्यूसली लॉसेज आ रहे हैं, उसकी सेल्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे हैं, मार्जिन भी कम हो रहे हैं, तो फिर इंपेयरमेंट ऑफ PP का रिस्क होता है। हम मैनेजमेंट को कहते हैं कि भाई आप जो हैं वैल्यू इन यूज़ की प्रोजेक्शन बना कर दें। तो ये सारे फैक्टर्स हम तब देखते हैं, तब पता लगता है ना, जब मुझे रिस्क पता होता है कि मसला क्या है, तो उस पर मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे भी वो कहता है कि आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है, बट यहाँ पे एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग तो लेनी है, बट रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं। यहाँ पे आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेंगे उसके ऑपरेशंस को समझने के लिए, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को देखने के लिए, उसकी इंडस्ट्री को देखने के लिए, उसकी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें अकाउंटिंग करनी है, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये इदारा किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, उस इंडस्ट्री के नॉर्म्स क्या हैं। तो आप ऑपरेशन को समझें ना, आप ऑपरेशन को समझें कि भाई ऑपरेशन में अगर लेट से मैं एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक कंपनी है, सही जी, वो बाहर से सॉफ्टवेयर मंगवा के यहाँ देती है, तो भाई ये तो फिर एक एजेंट हुआ ना, इसका तो सॉफ्टवेयर के ऊपर कंट्रोल नहीं है। लेट से अगर मैं कहूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी हूँ, मतलब आई विल नॉट कोट द नेम, मैंने ऐसी कंपनी का ऑडिट किया हुआ है, पर वो एक कंपनी है, वो करती क्या है कि भाई बाहर माइक्रोसॉफ्ट को बोलती है कि भाई आप ये मेरे मैंने आपको ये कस्टमर घेर के दिया, आप इसको अपने लाइसेंसेस दें, विंडोज़ बेचें। बीच में मैं क्या हूँ, मिडल मैन हूँ। मिडल मैन क्या करता है, सिर्फ कमीशन लेता। तो फिर वो IFRS 15 कहता है कि इसका सिर्फ कमीशन एक्सपेंस आना चाहिए, इसकी कोई ग्रॉस सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स की प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। यह आपको कब पता लग रहा है कि ये प्रेजेंटेशन नहीं आनी चाहिए? क्योंकि यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, आपको उस एंटिटी के बारे में पता है ना कि उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। वो एज अ एजेंट काम कर रहा है, वो प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल कब होता, जब वो वही सॉफ्टवेयर अपने नाम पर खरीदता, फिर वो आगे चिपकाता, तब वो तो सर प्रिंसिपल के जुमरे में आता, तब मैं सेल्स भी कहता, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहता, फिर सारे एक्सपेंसेस। पर कमीशन के केस के अंदर इफ़ यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट, तो आपने ग्रॉस सेल्स नहीं दिखानी होती, आपने नेट कमीशन इनकम दिखानी होती, तो उसकी प्रेजेंटेशन ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है। उस केस के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए किसकी, की एंटिटी की, उसके ऑपरेशंस की। तो यहाँ पे मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप जो अंडरस्टैंडिंग लेंगे वो फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग रिस्क लेंगे, यहाँ पे लेंगे अंडरस्टैंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग अकाउंटिंग, क्योंकि आपने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल करके देना, आप सजेशन ही नहीं दे पाएंगे जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। बात क्लियर है? अच्छा, अब इसकी एक और एग्जांपल, भाई एक लेट से सॉफ्टवेयर कंपनी है, अब वो सॉफ्टवेयर बनाती है, अच्छा वो सॉफ्टवेयर बनाती है बेचती है, सॉफ्टवेयर बनाती है बेचती है, तो जो सॉफ्टवेयर बना के बेचती है वो सेल्स जनरेट करती है ना, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अब उसकी प्रेजेंटेशन आप एडमिन में दिखा दें, भाई एडमिन में नहीं आनी चाहिए ना, एडमिन में नहीं आनी चाहिए। वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ वो बिजली कंज्यूम हो रही है, वो भी COGS का पार्ट होनी चाहिए, वो भी COGS का पार्ट होनी चाहिए। इवन जो आपके सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसकी जो अमोर्टाइजेशन है वो भी COGS का पार्ट होनी चाहिए। बट हाउ यू आर गोइंग टू असेस कि भाई ये चीज़ यहाँ क्लासिफाई होनी चाहिए, जब यू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग। जब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी किसी कंपनी की, तब आप इस लायक होंगे, केपेबल होंगे कि आप ये पता लगा सकें कि उसकी अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए। रीड कर लेते हैं ये क्या कहता है, भाई ये भी आपको यही कह रहा है कि प्रैक्टिशनर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज बिजनेस ऑपरेशंस इंक्लूडिंग एंटिटीज अकाउंटिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आपने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ना कि रिस्क असेस करने के लिए, बल्कि अकाउंटिंग करने के लिए। फिर बोलते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की भी अंडरस्टैंडिंग लेना, क्योंकि ऐसी बात है बिजनेस समझ आ गया तो अकाउंटिंग तो फ्रेमवर्क के तहत करनी है, तो फिर वो दोनों का मिलाप FS में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। बात क्लियर है? आगे
फिर वो बोलता है, अब आगे नॉर्मल बात है, आगे बड़ी आसान बात है। वो कहता ही है कि जब आप इंगेजमेंट को कंपाइल यानी उस एफएस को कंपाइल करना शुरू करेंगे, तो आप किसको कंपाइल करेंगे? यूजिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशंस, अदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। फिर कहता ही है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंगेजमेंट, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंगेजमेंट, आप मैनेजमेंट या दोस्त चार विद गवर्नेंस से डिस्कस करेंगे वो जजमेंट्स जो आपने प्रपोज की थी, जो आपने सजेशन दी थी। देखो लिखा हुआ है, डिस्कस विद द मैनेजमेंट और दोस्त चार विद गवर्नेंस एज अप्रोप्रिएट दो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स फॉर विच प्रैक्टिशनर हैज़ प्रोवाइडेड असिस्टेंस इन द कोर्स ऑफ कंपाइलिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। लेट्स से क्लाइंट कह रहा है कि भाई मुझे ECL की वर्किंग नहीं आती, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की वर्किंग नहीं आती, तो ऐसे थोड़ी ना कि आपने उससे डेटा लिया और अगदम शगदम करके दे दिया। बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ उसकी, मैं क्लाइंट का एक अकाउंटिंग असाइनमेंट कर रहा था, उस क्लाइंट के अकाउंटिंग असाइनमेंट पे हमने लीज का मॉडल बना दिया, हमने लीज का मॉडल बना दिया। अच्छा, किसका लीज का मॉडल बनाया हमने? प्रीमिसेस की लीज का मॉडल बना दिया। अच्छा हुआ कि अब मैंने क्या किया, एक्सपेक्टेशन ली कि भाई मेरी सारी लीजेस अगर लेट से 10-10 साल चल रही हैं, तो वो जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म लीज़ के ज़ुमरे में नहीं आ रही है, तो वो तो मैंने लेसी के पर्सपेक्टिव से फाइनेंस लीज़ किया। अच्छा, पर एक जो लीज़ थी उनकी, समझिएगा मेरी बात को, एक जो, क्योंकि उनको IFRS 16 नहीं आता था ना, हम ही अप्लाई करके दे रहे थे। अच्छा, अब जब एक उनकी लीज़ थी ना, वो उन्होंने लाजमी तौर पर से 6 महीने के लिए ली थी, उनकी इंटेंशन भी ये थी कि उसको आगे उसको कंटिन्यू नहीं करना। तो जब मैंने मैनेजमेंट को वो दिखाया कि भाई मेरी जजमेंट से, तो उसने फिर उस पर बताया ना, क्योंकि उसके पास तुमसे ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो एंटिटी ज़माने से चला रही है मैनेजमेंट। आप तो अभी गए जस्ट फॉर द सेक ऑफ असाइनमेंट, तो आपकी नॉलेज लिमिटेड है, उनकी नॉलेज ज़्यादा है, आपकी नॉलेज अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव से, बट उनकी जो इंटेंशंस है और जो उनके ऑपरेशंस के कंडक्ट हैं, वो तो उनको पता है ना। तो फिर मैनेजमेंट ने हमें कहा कि यार ये आप इस लीज़ को इससे हटाएं। हमने बोला भाई क्यों हटाएं? भाई उसने बोला कि हमारा प्लान ही नहीं है, आप इसको फाइनेंस लीज में लेके आए हैं, ये तो अभी ख़त्म हो जाएगी 6 महीने में। तो हमने कहा चलो सही है यार, ये बात सफिशेंट है कि आप ये सही कह रहे हैं। तो देखो इसमें मेरी जजमेंट जो थी, मैंने ऐसे थोड़ी ना कि इम्पोज कर दिया, मैंने उससे डिस्कस करना है। तो ये कहानी आपको सुनाने का मकसद ये था कि भाई आप जब तक उससे डिस्कस नहीं करेंगे, मैनेजमेंट अपने रिजल्ट्स देख के उसमें से चीज़ें निकाल की है, ये तो नहीं हो सकता। तो एनॉर्मली उसको पता होगी, क्यों? क्योंकि वो बिजनेस देख रहे हैं। बात क्लियर है? तो वो यही कहता है कि जब भी यू आर यूजिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, तो आप लाजमी उनसे डिस्कस करें कि हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करें या वो आपकी बात मान लें, बट ऑल टुगेदर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, वो सारा काम किसका है? सर वो मैनेजमेंट का काम है। क्लियर है भाई? आगे तो वो बोला, प्रायर टू कम्प्लीशन ऑफ द कंपाइलेशन इंगेजमेंट प्रैक्टिशनर, ये बड़ी अहम बात है, प्रैक्टिशनर जब एक FS बना लेगा ना, फिर उसको रीड करेगा, रीड करेगा कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन द लाइट ऑफ प्रैक्टिशनर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज बिजनेस। क्योंकि देखो एक चीज़ जब बन के सामने आती है, तो समझ आता है ना कि गलती हो सकती है, ये मसला हो सकता है। अब लेट से जैसे मैंने जिस कंपनी के फाइनेंशियल्स बनवाए, मैंने उसमें देखा कि यार जब मैंने रीड करने लगा ना, तो लीज़ का शेड्यूल, जो लीज़ की मूवमेंट होती है ना ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक, वो मुझे आउट लगी। तो वो मुझे तब आउट लगी ना, जब मुझे अपनी बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे ये पता लगा कि यार ये मसला है, यहाँ पे ये होना नहीं चाहिए था। तो उस केस के अंदर फिर मैंने अपनी टीम को बुलाया, देखो यहाँ पे मसला है, तो वाकई मसला निकला। तो वो कहता है बना के ऐसे नहीं चिपका देना मैनेजमेंट को, आपने रीड भी करनी इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थी क्या उसके हिसाब से उसके जो इवेंट्स हैं वो क्या रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब इसकी एक और एग्जांपल है, लेट्स से मैंने आपको एग्जांपल दी ECL मॉडल की। अगर ECL मॉडल मैंने लगाया, तो ऑल टुगेदर मेरा रिसीवेबल ड्रास्टिकली नीचे गिर गया। तो दैट मीन्स कि इसका एक ही वजह हो सकती है कि लॉन्ग आउटस्टैंडिंग ड्यूज हो और उस पर जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है मेरा 100% हो। सही है जी? तो जाहिर सी बात है उस केस में हो सकता, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कह रही थी यार ऐसा हो नहीं सकता, वो तो लेटेस्ट रिसीवेबल है, 3-3 महीने हुए हैं उसको ड्यू हुए हुए। तो फिर पता लगा था कि उन्होंने स्लैब जो हमारा मॉडल बना हुआ था उसमें गलत लिया हुआ था, तो वो स्लैब फिर सही करवाया, तो अकाउंटिंग से हुई। यानी सर वो कहता ही है कि जब आपने रिकॉर्ड्स, इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशंस को यूज़ करके एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर की, उसको फिर रीड भी करना है जस्ट फॉर द सेक के देख लो उसमें कोई गलती तो नहीं है। आगे फिर अगर वो कहता है, ये बड़ी अहम बातें हैं, अभी कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, फिर ये कहता है कि भाई अगर इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स हैं, क्या कह रहा है वो, इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स हैं, आपको पता लगा कि जो आपको डेटा मिलाया गया है ना, जो दिया गया है बनाने के लिए, वो इनकम्प्लीट है, तो आपको ये बात तो पता है ना कि आप FS तो चलो उसको देख के बना भी दोगे, पर वो चीज़ इनकम्प्लीट है, वो आपको ही नहीं समझ आ रही ड्यू टू इट्स इन मतलब कम्प्लीटनेस इशूज़, तो फिर दूसरे किसी को कैसे समझ आएगी? तो यू आर नॉट गोइंग टू एसोसिएट योर सेल्फ विद दैट इन्फॉर्मेशन, आपको नहीं एसोसिएट होना। तो आप फिर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे कम्प्लीट डेटा फराहम करें, मुझे कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे, कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन दे, तब मैं जाके आपको ये दूंगा। और अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करती है या नहीं मानती है,
तो आप दोष चार विद गवर्नेंस से रिक्वेस्ट करते हैं, और अगर दोष चार विद गवर्नेंस भी आपको वो नहीं देते तो फिर आप टेक्निकली इस इंगेजमेंट से क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर जाते हैं। मैं रीड कर लेता हूँ, वो कहता ही है कि इफ प्रैक्टिशनर बिकम अवेयर द रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनेशन अदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट इनकम्प्लीट इनएक्यूरेट अदरवाइज अनसेटिस्फैक्ट्री द प्रैक्टिशनर शैल ब्रिंग दैट टू द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट द एडिशनल और करेक्टेड इन्फॉर्मेशन। यही बात कही मैंने। फिर आगे कहता है कि अगर प्रैक्टिशनर अनेबल टू कम्प्लीट द इंगेजमेंट बिकॉज द मैनेजमेंट हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड, यही चीज़ें जो मैंने मांगी थी, तो फिर आप क्या करेंगे, विड्रॉ कर जाएंगे इंगेजमेंट से और इन्फॉर्म कर देंगे मैनेजमेंट को रीजन्स ऑफ विड्रॉल कि भाई मैं इसलिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी तो देनी है ना आपने। आप वही बोलेगा क्यों विड्रॉ कर रहे हो, तो हम बोलेंगे भाई तुमसे कब से डेटा मांग रहे हो, तुम दे नहीं रहे हो। तो बोलेगा भाई जो जो डेटा दे रहे हैं उस पर बना के खत्म करो। तो तुम बोलोगे भाई हमें अपने आप को कैसी ऐसी इन्फॉर्मेशन से एसोसिएट नहीं करना जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग या इनकम्प्लीट हो। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये तो बात थी कि आपको इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स मिले। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जब FS बन जाए तो आपको पता लगे कुछ मसले हैं उसके अंदर, वो क्या मसले हैं एक करके, जिस बिना पे वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बिना पे वो FS बनाए गए उसका रेफरेंस ही FS में नहीं है। आपको तो पता है ना यार कि आइडेंटिफिकेशन होती है कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क IFRS कंपनीज एक्ट, और कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो फिर वो अप्लाई होता है, तो ये तो लिखना चाहिए ना आपको। तो नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट में भी वो कहता है कि भाई ऑडिट करते हुए ये देख लेना कि क्या अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रेफर हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। तो वो कह रहा है कि भाई अगर प्रैक्टिशनर अवेयर हो जाए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट दैट कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डज नॉट रेफर टू और डिस्क्राइब द एप्लीकेबल, यानी या तो उसने बताया ही नहीं है भाई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और दूसरी चीज़ अमेंडमेंट रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, सही है जी, जो कि लाजमी है कि उसको फिर मटीरियली मिसस्टेटेड ना लगे। अब लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि अगर वो वाली चीज़, बहुत सुकून से सुनिएगा, अगर मैं कहता हूँ कि अगर वो वाली चीज़ यहाँ पे अगर मैंने सही नहीं करवाई तो ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिसस्टेटेड लगेगी, तो दैट मीन्स कि उसका सही होना फिर लाजमी है इन ऑर्डर टू मेक इट नॉट टू बी मटीरियली मिसस्टेटेड, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर बोलता है कि कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिसलीडिंग लग रही है, सही है जी। तो फिर मुझे एक बात बताओ, इस केस के अंदर फिर आप क्या करेंगे भाई, आप ऑडिट तो कर नहीं रहे, आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये प्लीज़ अगर रेफर नहीं हुआ तो रेफर कर लें, सही नहीं हुआ हुआ तो सही कर लें, मिसलीडिंग है तो उसकी प्रेजेंटेशन सही करवा दें। अगर वो नहीं मानता दैन फिर आपके पास एक ही हथियार है, आप क्या करेंगे, आप सिंपली उस इंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेंगे, और अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको किसी थर्ड पार्टी ने अपॉइंट किया है जो कि रेगुलेटर है, तो फिर आप देखेंगे आपका लीगल रेगुलेशन क्या, आपके लीगल राइट्स क्या, किसको इन्फॉर्म करना चाहिए, आया के ICAP को, आया के SACP को डायरेक्टली, तो ये सारी चीज़ें। आगे फिर वो बोलता ही है कि भाई जब आपने ये कंक्लूड कर लिया तो आप डॉक्यूमेंटेशन करें। किस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन? सिग्निफिकेंट मैटर्स जो ड्यूरिंग दी इंगेजमेंट अराइज हुए, किसी एक्सपर्ट की राय ली थी, ये सारी चीज़ें। फिर बोलता है रिकॉर्ड करें हाउ द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकनसाइल्स विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। याद है मैंने आपको ऊपर शुरू में बताया था कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज़ करके ये बनाए तो उसके पूरे शेड्यूल्स, डॉक्यूमेंट्स, अगर लीज है तो लीज के शेड्यूल्स और पूरी वर्किंग होनी चाहिए, जैसे वर्किंग पेपर बनते हैं, सबूत होने चाहिए। और फिर बोलते हैं जो फाइनल सेट है, तो हम क्या करते हैं, फाइनल सेट देने से पहले हम एक कवर लेटर इशू करते हैं। हम बोलते हैं वी विल बी प्लीज टू साइन अ रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट नहीं, कंपाइलेशन रिपोर्ट, जब आप एक्नॉलेज करके देंगे, जब आप एक्नॉलेज करके देंगे, साइन करके देंगे कि हाँ भाई हमने अजर्ट किया है कि ये अकाउंट्स हमारी जिम्मेदारी है, वरना तो ऐसा लगेगा कि हमने उनको बना के दी, हमने साइन करके दी, ओनरशिप हमारी नहीं, हम बोलेंगे तुम इसको एक्नॉलेज करो। क्या लिखा हुआ है, कॉपी ऑफ द फाइनल वर्जन ऑफ द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच द मैनेजमेंट और दो शायद गवर्नेंस एज अप्रोप्रिएट है एक्नॉलेज्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट। पहले उससे एक्नॉलेज कराओगे फिर रिपोर्ट दोगे, बात क्लियर है? तो उसको आपने रखना है अपने पास। अच्छा, ये बेसिक सी रिपोर्ट है इसकी, ये भी आप प्लीज़ आयजा में मार्क करके दीजिएगा, इसको 5-6 बार रीड कर लीजिएगा ताकि दिमाग में नक्श हो जाए। क्या कह रही है, बोल रहा है वी हैव कंपाइल्ड द अकंपनिंग FS ऑफ ABC कंपनी बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव प्रोवाइडेड। ऊपर लिखा था इंगेजमेंट लेटर में वी विल परफॉर्म द इंगेजमेंट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट यू विल प्रोवाइड, मतलब यू हैव प्रोवाइडेड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है वो सारी चीज़ें आपने बता दी। आपने बताना है कि भाई हमने ISRS के तहत परफॉर्म किया था, क्योंकि ये ऑडिट नहीं है, आयजा के तहत नहीं किया था, हमने अपनी एक्सपर्टीज़ वगैरह लगाई, ये जनरल बातें, या आपने आयजा से ही पिक करनी है।
बोला दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द एक्यूरेसी एंड द कम्प्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंपाइल देम आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऊपर मैंने बताया था तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. सिंस अ कंपाइलेशन इंगेजमेंट कोई अश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं है तो हम कोई इस पर ओपिनियन नहीं दे रही है, बेसिक सी मासूम सी रिपोर्ट है, दैट्स इट. इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है. तो भाई आपने सिर्फ इसमें यह बताना है कि हमने जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वी हैव कंपाइल्ड द अकंपनिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो तुमने प्रोवाइड की थी, जिसके अंदर ये आ रहा है, जिसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, बस दैट्स इट. इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं कहना. और फिर आपने ये बता देना है, आपने ये बता देना है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है किसके तहत बनाई गई थी. यानी अकॉर्डिंगली वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन और रिव्यू कंक्लूजन वेदर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS फॉर SMEs. यानी सर ये जो एंगेजमेंट जो की गई है, इस एंगेजमेंट के ऊपर जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो IFRS फॉर SMEs. देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है We have applied our expertise in accounting and financial reporting to assist you in the preparation and presentation of these FS in accordance with the International Financial Reporting Standards for Small and Medium Size. यानी SMEs पे बनाए गए ये FS. तो मैंने बता दिया कि हमने अपनी expertise apply की थी किस चीज़ के लिए, accounting और financial reporting की expertise आपको help करने के लिए, ताकि हम आपको बना के दें या present करके दें FS in accordance with International Financial Reporting Standards for SMEs. ये कहाँ एग्री हुआ था, एंगेजमेंट लेटर में एग्री हुआ था, यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिया. तो सर आपने बस ये ऐसी ही रिपोर्ट अपने दिमाग में नक्श कर लेनी है. इसमें क्या है सर, सबसे पहले क्या बच्चों, एड्रेस ही है. फिर आपने बता दिया कि भाई कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपने कंपाइल किए हैं. अच्छा भाई फिर आपने किसके तहत, सही है, कि अकॉर्डिंग टू विच ISRS ये इंगेजमेंट परफॉर्म हुई है, और आपने रेफरेंस टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और फिर आपने बताया कि दिस इज नॉट अश्योरेंस रिपोर्ट, आपने ये बता देना है. अच्छा अब ये मैं देखो, ये तो था जनरल पर्पज फ्रेमवर्क, क्योंकि SMEs भी जनरली लोगों को एक्सेप्टेबल होता है. रिपोर्ट पूरी सेम होगी सिवाय इसके कि अगर कोई स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नोट एक्स स्टेट करता है बेसिस ऑन विच दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. जब मैं नॉर्मल आइजा 800 की भी रिपोर्ट देता हूँ ना, बट वो ऑडिट में देता हूँ, तब भी मैं EOM में डाल दो, पर यहाँ पे कोई एम्फेसिस और मैटर का कॉन्सेप्ट नहीं है. और फिर बोलता है कि आर कंपाइलेशन रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोलली, सर यह आ गया रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्लॉज. सर ये था हमारा कंपाइलेशन इंगेजमेंट ISRS 4410, जो बहुत ही सिंपल है, पर अगर आपने उसको तमीज़ से किया वैसे. ये जी इसके सवाल में करा देता हूँ अगली क्लास में. जजाकअल्लाह.